आकिब सिवा न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। इस समय की तस्वीर आप देख सकते हैं। जी हाँ, हम आपको बताएंगे मौसम के भी अपडेट बताएंगे, पहले मगर ये तस्वीरें आपको दिखा दी जाए। जी हाँ, आपको लग रहा होगा कि शायद बाढ़ आ चुका है। जी हाँ, क्योंकि बार बार जब भी हम वीडियो बनाते हैं उसमें जरूर बताते हैं कि शायद मिसौड़ा ही जो ये मिसौड़ा पिपराड़ी का SH54 ये मुख्य पथ है, शायद इस पर ही हमेशा शायद बाढ़ आ जाता है। पहले पूरी विस्तार से हमको आपको हम ये बता दे कि ये पिपराड़ी का मुख्य रास्ता माना जाता है, पिपराड़ी सीवर का। ये मिसौड़ा का गांव है और ये SH54 के नाम से ये रास्ता जाना जाता है। और आप समझ भी सकते हैं कि बरसात का भी मौसम आ ही चुका है और आज गुरुवार की रोज आज सुबह से ही बूंदाबांदी हो रही है, लगातार बारिश भी हो रही है। मगर इन सबो चीज़ों के बीच आप ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि क्या ये बरसात की पानी है, क्योंकि जो भी हमारे दर्शक देखेंगे, कुछ दर्शक ये भी सोचेंगे कि शायद बाढ़ भी आ चुका है, क्योंकि कोई बाढ़ का पानी नहीं है। हम आपको बता दें ये बरसात का ही पानी है जो कि आज गुरुवार रोज सुबह से ही बरसात हो रही है और बूंदाबांदी भी हो रही है। मगर इन तमाम इन सबों के बीच हम कहें कि ये पानी जलजमाव जो लग रहा है, इनका कारण मुख्य कारण क्या है, क्योंकि ये SH54 पर तीन जगह पानी लगता है और जिससे ग्रामीणों को यहाँ खास करके यहाँ के जो भी ग्रामीण है वे चौक चौराहों पर भी जाते हैं, उनको काफी इन कठिनाइयों से जाना पड़ता है। जी हाँ, दूसरी जगह की भी तस्वीर दिखाएंगे, पहले ये तस्वीर हम आपको दिखा देंगे। शायद आपको लग रहा होगा कि आप दूर तक देख सकते हैं। जी हाँ, कुछ ही दूरी पर यहाँ से 10 कदम की दूरी पर यहाँ से पिपराड़ी चौक पड़ता है। और यहाँ के जो भी दूसरी छोर की तस्वीर हम आपको दिखा दें, यहाँ से ये सीवर का मुख्य पथ है, अगर आप जाते भी होंगे तो यहाँ से देखते भी होंगे। यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर जिला पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, सीवर पड़ता है। और यहाँ पर तमाम तीन जगहों पर जलजमाव लगता है। ये जलजमाव देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप शायद ये भी सोच रहे होंगे कि शायद कहीं बाढ़ आ गया हो, तो देख लीजिए कहीं ये शायद बाढ़ का ही पानी हो। शायद आपको लग रहा होगा कि ये शायद बाढ़ का ही पानी हो, बाढ़ जैसे हालात यहाँ बन चुके हैं। पानी की तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ चलना मुश्किल हो चुका है। ये मिसौड़ा का गांव है, पूरी तस्वीर दिखा रही है। SH54 पिपराड़ी के SH54 मुख्य पथ के नाम से ये जाना जाता है। और SH54 की क्या तस्वीर है हम आपको दिखाएंगे कि SH54 होने के बावजूद भी यहाँ कितना सारा जलजमाव लग रहा है। इस जलजमाव के कारण हम आपको ये कहें कि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि शायद मिसौड़ा में ही शायद सिर्फ खाली बाढ़ आता है। लोग कैश भी लगाए रहते हैं कि शायद ये कोई, हमारे दर्शक भी देखते हैं तो कहते हैं कि शायद बाढ़ भी आ गया होगा, मगर हम आपको बता दें ये कोई बाढ़ का पानी नहीं है, ये बरसात का ही पानी है। तो आखिर इन सब चीज़ों का कारण क्या है कि इन तीन जगहों पर ये बराबर हम वीडियो बनाते हैं, आपको दिखाते हैं, कभी नल जल की समस्या होती है, मगर ये जब भी अब बरसात का सीजन आ चुका है और बरसात के समय ये कहीं ना कहीं ये कठिनाई अभी और आगे आने वाली है। इसका कारण क्या है, इसका मुख्य कारण क्या है, यहाँ के ग्रामवासी हैं जो मिसौड़ा पंचायत के वासी है, जो भी चौक चौराहों पर जाते हैं उनको काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मगर इन तमाम चार जगहों पर लगातार जलजमाव की स्थिति बनी हुई है, हम कहते हैं कि शायद बाढ़ ही आ गया हुआ है। तो इन रोडों के हालात आप देख सकते हैं, ये SH54 है, कोई गांव का ग्रामीण पथ नहीं है, ये SH54 के नाम से ये जाना जाता है पथ। तो पूरी तस्वीर क्या है आप देख ही सकते हैं, जितने भी वाहन जा रहे हैं क्या स्थिति में यहाँ से निकलते हैं, चार जगहों पर। कुछ आगे की भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, पहले मगर ये देख लीजिए आप, हम दिखाने का खास हमारा ये मकसद है कि आप देख लीजिए चार जगहों पर कितना जलजमाव लग रहा है। तो इस स्थिति में हम आपको बताना चाहते हैं कि आखिर ये हम यहाँ के ग्रामीणों को समस्या हो पा रही है। और भी कुछ हम बातें आपको बताएंगे, आगे ले चलेंगे दूसरी जगहों पर भी, वहां की भी जलजमाव की स्थिति के बारे में आपको अपडेट देते चलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहेंगे। तो यहाँ की पूरी तस्वीर आप देख सकते हैं, ये हम आपको बताना चाहेंगे। आज गुरुवार का रोज है और सुबह से ही बूंदाबांदी हो पा रही है, तो तमाम इन सड़कों की तस्वीर आप देख सकते हैं कि जलजमाव की जैसे स्थिति बनी हुई है, पूरी तीन चार जगहों पर जलजमाव की ऐसी स्थिति बन गई। क्या नाम हो आपका? मुन्ना कुमार जी, बताया जाए। जलजमाव यहाँ तो जलजमाव लग रहा है बारिश के, अभी थोड़ा मोड़ा बारिश हो रहा है तो इतना जलजमाव हो रहा है, और ज्यादा बारिश होगा 2 दिन 4 दिन 5 दिन बड़ा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा अगल बगल आम जनता को, अगल बगल घर वाले को बहुत सी परेशानी होगी, बहुत परेशानी झेलना पड़ के अभी भी जाना पड़ रहा है, और कते गाड़ी घोड़ा मोटरसाइकिल बच्चा बुजुर्ग को बहुत परेशानी हो रहा है, आने जाने में बहुत कठिनाई हो रहा है। तो क्या मांग करते हैं, मतलब इसमें तुरंत इसको ना हो पाती, इसको भरना है, रोड को ऊंचा लेवल करके उस नाली का निर्माण किया जाए, इससे आम जनता को, हर आदमी को माने सुविधा होगी आने जाने में।
तो नाली की मांग करते हैं कि जैसे कि जल जमाव की स्थिति अभी अभी बनी हुई है उसको लेकर नाली की मांग करें कि नाली के अगर निर्माण हो जाता है तो कहीं ना कहीं इस समस्या का समाधान हो सके। नाली को तो निर्माण जरूरी है हर हाल में, क्योंकि बिना नाली का पानी निकासी हो नहीं सकता, इससे नहीं तो रोड पर पानी का जल जमाव रहेगा, उसको इससे ऊंचा भी कर दिया जाए रोड को, रोड नीचा हो गया ऊंचा कर दिया तो और अच्छा हो जाएगा, और उसके साथ साथ नाली का निर्माण कर दिया जाए कि हमेशा के लिए रोड सही हो जाए। अच्छा, मतलब यहाँ के ग्रामवासियों के द्वारा कहा जा रहा है कि 2-3 जगहों पर यहाँ पर लगता है पानी। पानी तो यहाँ लग रहा है, वही नाली की वजह से परेशानी हो रही है, पानी निकासी का कोई जगह नहीं, नाली नहीं होने की वजह से मतलब नाली नहीं होने की वजह से निकासी नहीं हो पा रहा। मगर कुछ दूरी तक तो नाली भी है बना हुआ, लेकिन नाली का ही बनाकर छोड़ दिया गया है, और नाली का निकासी जहां तक पानी निकलना चाहिए वो किया गया नहीं है, सीधे नाली रूप बनाकर रोड पर छोड़ दिया गया है। ठीक ठीक। क्या नाम हुआ आपका? वैजू सर। ये जल जमाव लग रहा है, इसे क्या 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 परेशानी हो पा रही है आपको? पब्लिक के जाने आने में जनता का दिक्कत हो रहा है। क्या 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 चीज का दिक्कत हो रहा है जाने में? गाड़ी घोड़ा पैदल जाने वाला थे। कहाँ घर हुआ आपका? मिसौड़ा घर है। घर में सौड़ा। चलिए, दूसरी छोर की हम तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। पहले छोर की हमने आपको तस्वीर दिखाया था जल जमाव की जहाँ स्थिति थी, मगर ये वही आप देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ बस्ती भी मौजूद है, और बस्ती के देख सकते हैं जो लोग यहाँ जो रहने वाले हो उनको खास करके कैसे यहाँ परेशानी का सामना करना पड़ा है। पूरी तस्वीर आप देख सकते हैं कि पानी हिलकर अपने घरों तक लोग जा रहे हैं। जी हाँ, अब बरसात का भी मौसम आ चुका है, तो कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों के बीच अगर बरसात का जब भी आ जाता है सीजन, तो यहाँ जो भी मकान पड़ते हैं, जो भी बस्ती है, उनको काफ़ी यहाँ से उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस जल जमाव की स्थिति में हम ये भी कह लें कि ये इस पानी को निकलने का यहाँ से कोई रास्ता नहीं है, मगर कुछ रास्ते का यहाँ मरम्मत किया गया था कुछ दिन पहले। पहले छोर के हम आपको तस्वीर दिखा दें, और दूसरे छोर के अभी तस्वीर दिखा पा रहे हैं, तो पूरी तस्वीर आप देख सकते हैं। ये भी देख लीजिए कि यूँ न कहें, हमको ये न कहना पड़े कि मिसौड़ा में फिर से बाढ़ आ चुकी है। ये कोई बाढ़ का पानी नहीं है, ये बरसात का ही पानी है, मगर हालात ऐसे लग रहे हैं कि जैसे मिसौड़ा SHON पर बाढ़ आ चुका है। जी हाँ, स्थिति ऐसी है कि लोगों को यहाँ जो भी बाजार जो भी जाते हैं, जो आसपास के जो ग्रामीण हैं, उनको भी काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। कुछ विजुअल भी हम आपको दिखाएंगे, कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे। जो लोग इमरजेंसी के तहत है सब्जी खरीदने जाते हैं, वो भी इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये SH54 का पिपराड़ी का मुख्य पथ माना जाता है, और यहाँ से तमाम जितने भी गाड़ियाँ होती हैं वो गाड़ियाँ लगातार सीहोर के लिए या अन्य जिलों के लिए निकलती हैं, मगर अभी तक इन रास्तों का कोई मरम्मत नहीं किया गया, जिसको लेकर पानी के जल जमाव की स्थिति हमेशा बनी हुई है। तो हम इन सभी चीज़ों को देखते हुए ये कैसन लगाए कि कहीं ना कहीं ये लोग कह ले कि मिसौड़ा में कहीं बेमौसम कहीं बाढ़ ना आ गया हो। जी हाँ, ये कोई बेमौसम बाढ़ नहीं है, ये बरसात का ही पानी है, मगर बरसात के पानी को लेकर यहाँ के ग्रामवासी है, यहाँ के कुछ बस्ती की भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। थोड़ा सा चारों तरफ नचा देते हैं, आप देख सकते हैं तमाम यहाँ जितने भी बस्ती वाले हैं और यहाँ पर जितने भी मकान पड़ते हैं, जितने भी घर हैं, उनको खास करके यहाँ से कठिनाई का सामना करना पड़ता है। 3-4 बस्ती यहाँ हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ भी आप देख सकते हैं उनके दरवाजे तक पानी है। आप इसे समझ लीजिए, अगर किसी के दरवाजे तक पानी हो तो आने जाने में कितनी परेशानी का सामना होना पड़ता होगा। और ये मुख्य SH54 का मुख्य रास्ता भी माना जाता है, पिपराड़ी का मुख्य रास्ता है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर पिपराड़ी चौक भी है, और दूसरी छोर की तस्वीर दिखा दे, यहाँ से 5 किलो से 6 किलोमीटर के दूरी पर सीवर है। तो ये मेन रूट है SH54 का, पिपराड़ी का अब मेन रूट है। इसमें दिन भर में हम यूँ कहें कि हजारों गाड़ियाँ निकलती है, मगर यूँ कहें कि किसी को ये SH54 को नज़र नहीं आ पाता। कि हमने जैसा कि फर्स्ट वीडियो में दिखाया था कि वहाँ भी काफ़ी जल जमाव था, और दूसरे वीडियो में दिखा पा रहे हैं कि आप देख सकते हैं यहाँ के जो, जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ इस चीज़ों को लेकर, ये सब बरसात के बीच आप यूँ ना सोच लें कि ये कोई बाढ़ का पानी है। जी हाँ, क्योंकि ऐसे भी हम बाढ़ क्षतिग्रस्त इलाकों में आते हैं, मगर जब बरसात की स्थिति बनती है तो इन रास्तों के द्वारा या नाली निर्माण हो या अन्य चीज निर्माण होकर इन पानियों के निकासी का रास्ता नहीं निकाला जाता। तो आखिर इन सभी चीजों की समस्या क्या होगी? आखिर कोई ना कोई समस्या होगी, क्योंकि अभी बरसात का दिन अभी और आने वाला है। अभी जैसे बरसात के दिन और आगे तो और कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, और लंबा पानी लगेगा। तो क्या हो सकता है? आप देख सकते हैं सारे लोग इसी रास्ते से जाते हैं, हजारों लोग जाते हैं, हजारों लोग को इस कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जो भी यहाँ के आसपास के बस्ती वाले हैं, जो घर वाले हैं, उनको भी काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। रोज काफ़ी लोग यहाँ ग्रामीण निराश है,
इसको लेकर, क्योंकि तीन चार जगह पर यहाँ लगातार पानी का जलजमाव लग रहा है। कुछ वीडियो में हमने आपको नल जल की भी दिखाई थी वीडियो, उसमें कहा था कि शायद हो सके कहीं बिन मौसम मेसौढ़ा में कहीं बाढ़ आ गया हो, ये भी हो सकता था, मगर दर्शकों ने कहा कि बाढ़ का पानी नहीं, ये बरसात का ही पानी। तो पूरी तस्वीर हम आपको दिखा पा रहे हैं, देख भी सकते हैं कि क्या लगातार गाड़ियाँ आ रही है जा रही है, और आसपास के बस्ती वालों को भी काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। तो समस्या का समाधान क्या होगा आप भी समझ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है समस्या का समाधान, इस पानी के जल निकासी को लिए कोई ना कोई समस्या का समाधान होना चाहिए, या नाली निर्माण हो या अन्य हो, ये तो हम नहीं बोल सकते, मगर इस समस्या का समाधान कुछ न कुछ चीज होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं आकिब राजा के साथ शिवर से रिपोर्ट। चलिए थोड़ी सी और एक जगह की तस्वीर है, हल्का से दिखा देंगे, मगर यहाँ से अभी आप हमारे साथ बने रहेंगे। आप देख सकते हैं सामने की तस्वीर, क्या परेशानी है आसपास के जो छोटे बच्चे हैं, जो घर के बच्चे हैं, वो पानी हिलकर कैसे जा रहा है। जी हाँ, इस स्थिति में ये तस्वीर हम आपको दिखा पा रहे हैं। तो पूरी तस्वीर आप देख सकते हैं कि जो आसपास के जो बस्ती है, जो घर है, इस जलजमाव के वजह से, ये SH54 है, जी हाँ, पिपराड़ी SH54 के, ये पिपराड़ी का मुख्य पथ है। आप देख भी सकते हैं कि बच्चे कैसे रह रहे हैं। इससे हम ये भी कहें कि इनको ये पानी में इनको खतरा भी हो सकता है, जी हाँ, कुछ भी बड़ा हादसा भी हो सकता है था, मगर तमाम इन चीज़ों के बीच कहें कि इन समस्या का समाधान क्या होगा, क्या यह कोई नाली का निर्माण हो सकता है, मगर पहले हम पूरी ये तस्वीर आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। पूरी ये तस्वीर आप देख लीजिए, क्या स्थिति है यहाँ पानी की, जहाँ पर बच्चे भी मजबूर है यहाँ रहने को। तो पूरी तस्वीर आप देख भी सकते हैं, देख लीजिए कैसे, क्योंकि पानी इनके गेटों तक चढ़ा हुआ है, और पानी यहाँ से चढ़ने से यहाँ के बस्ती वाले को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो ये तीसरी वो जगह है जहाँ पर पानी का जलजमाव लगता है, और वहाँ की तस्वीर हम आपको दिखा पा रहे हैं। जी हाँ, जैसे कि लगातार हम सभी वीडियो में बता पा रहे हैं, ये SH54 है, और ये तीसरी वो जगह है, हम आपको तीसरी जगह की तस्वीर भी दिखा दे रहे हैं। अभी तो यहाँ कम पानी लगी हुई है, मगर यहाँ पर बरसात होने की वजह से यहाँ भी काफ़ी जलजमाव रहता है। तो इन तमाम तीनों जगहों पर, ये चार जगहों पर पानी का, ये SH54 पर जलजमाव रहता है। हम आपको बता दें, तीसरी वो जगह है जहाँ पर जलजमाव की स्थिति बनी हुई रहती है। जी हाँ, पूरी तस्वीर हम आपको दिखा पा रहे हैं, ये भी पिपराड़ी का SH54 भी है, और वहीं की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तीसरी जगह है, और यहाँ पर भी अगर भारी बारिश होती है तो यहाँ पर भी जलजमाव की काफ़ी स्थिति बन जाती है, और आसपास के जो भी घर है उनको काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अभी थोड़ी सी कम है, मगर काफ़ी, अगर देखिए अभी बारिश का सीज़न आ रहा है, क्योंकि अब जैसे ही बारिश होगी इन तमाम जगहों पर जलजमाव की स्थिति बनेगी, और जलजमाव यहाँ लगना तय है। तो ये तीसरी जगह है, और वहाँ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। फर्स्ट मिसौड़ा के विस्तान के पास लगता है, दूसरा मुन्ना जी है, मुन्ना गुप्ता जी है, उनके दरवाजे के पास लगता है, तीसरा हैदर जी है, हैदर अंसारी, उनके दरवाजे के पास लगता है, और चौथा ये गोपाल चचा है, इनके दरवाजे के पास लगता है। तो पूरी तस्वीर हम आपको दिखा दें, यहाँ पर तीसरी वो जो जगह है, तो ये SH54 में ही पड़ता है, ये पिपराड़ी SH54 के ही रूट में पड़ता है, जहाँ पर ये तीन चार जगहों पर काफ़ी जलजमाव की स्थिति देखी जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तीन चार जो घर हैं उनको काफ़ी, खास करके इस जलजमाव से परेशानी होती है।